अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल लाइफ मॉडिफायर्स ऑफिशियल हेयर। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई होप आप सब कैरियर से होंगे। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो है गोल्स। गोल्स के बगैर हमारी जिंदगी बिल्कुल बेमायनी है। गोल्स के बिना जिंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जब तक आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होगा तो जिंदगी को जीने में मजा नहीं आएगा। सो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हम गोल्स को किस तरह से अचीव कर सकते हैं, कौन से गोल्स हमें सेट करने चाहिए और गोल सेट करना क्यों ज़रूरी है, और सबसे पहले ये देखना है कि गोल्स कहते किसे हैं। अपनी कोई भी डिज़ायरेबल चीज़, कोई भी विशेस, कोई भी आइडिया जिसको मुकम्मल करने के लिए एक प्लान तैयार किया जाता है, जिसको अचीव करने के लिए एक किया जाता है, वो हमारा गोल होता है। यानी कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप हमने चलना होता है वो हमारे गोल्स होते हैं। किसी चीज़ को पा लेना हमारा गोल होता है, किसी विश को कंप्लीट करना हमारा गोल होता है, किसी डिज़ायर को, किसी आइडिया को फुलफिल कर लेना हमारा गोल कहलाता है। यानी कि गोल उस रिज़ल्ट का नाम है जिसको हम अचीव कर लेते हैं, जिसके लिए हम कोशिश करते हैं और इन द एंड हमें वो हासिल हो जाता है। अब ये देखना है कि हम गोल क्यों सेट करते हैं। गोल सेट करने की वजह ये भी होती है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि आपने इस डायरेक्शन पर चल के स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को हासिल करना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप गोल सेट करें। गोल सेट करने से आप मेंटली और फिज़िकली भी स्ट्रांग होते हैं, एक्टिव रहते हैं, और आपको एक रास्ता जब मिल जाता है तो आप उस पर चलने के काबिल हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में गोल्स को सेट करें। अब देखना यह है कि गोल्स की कितनी इकसाम हैं। जी हाँ व्यूअर्स, गोल्स दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल्स होता है और एक लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उन्हें हम बहुत ही कम पीरियड में अचीव कर लेते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत टफ भी होते हैं और उसको अचीव करने में टाइम भी लगता है, और उसको अचीव करने के लिए हमारा पेशेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको चाहिए कि सबसे पहले आप शॉर्ट गोल्स को अचीव करें, और शॉर्ट गोल्स को अचीव करने के बाद आप लॉन्ग की तरफ मूव कर जाएं। इसलिए मैनेज करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ को। जब तक आप मैनेज नहीं करेंगे आप अपने गोल्स को अचीव नहीं करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी लाइफ में स्मार्ट गोल्स को ऐड करें। अनरियलिस्टिक गोल को ऐड करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब बात आती है कि अनरियलिस्टिक गोल्स कौन से हैं। अनरियलिस्टिक गोल्स वो हैं जिनका रियलिटी से बहुत कम ताल्लुक होता है। यानी कि अगर आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया तो आपने सोचा कि एक साल के अंदर मुझे इतनी अमाउंट जमा करनी है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उस गोल को अचीव करने के लिए, क्योंकि एक साल के अंदर हमें नहीं पता कौन से अप्स एंड डाउन आने हैं। इसलिए कम पीरियड का पहले गोल रखें ताकि आप नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छे लेवल पर जा सकें। इसलिए जब आप अनरियलिस्टिक गोल सेट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसको अचीव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब आप उसको अचीव नहीं कर पाते तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, और आपके लिए वो परेशानी का बाइस बनता है। इसलिए हमेशा स्मार्ट गोल्स को सेट करें। अब स्मार्ट गोल कौन से हैं। स्मार्ट गोल्स में हमारी मॉर्निंग रूटीन आ जाती है, यानी कि हमने सुबह की एक रूटीन सेट करनी है। उसके बाद हमारा जर्नल आ जाता है जिसमें हमने अपनी सारे दिन की बातें लिखनी होती हैं। हमारा प्रोडक्टिव लेवल हो जाता है, रोज़ाना फैमिली के साथ मिलना, अपने दिन में कोई न्यू चीज़ एक्सप्लोर करना, अपनी एक मंथ में एक गुड हैबिट को ऐड करना और एक बैड हैबिट को छोड़ देना, और अपनी पर्सनैलिटी को डिवेल्प करना, और अपनी पर्सनैलिटी को डिवेल्प करने के लिए सेमिनार्स को अटेंड करना, अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करने में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। जब आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने, जिसमें हमारा डेली रूटीन आ जाएगा, स्लीपिंग पैटर्न आ जाएगा, हमारा ब्रेकफास्ट आ जाएगा, लंच आ जाएगा, डिनर आ जाएगा, हमारा एक्सरसाइज आ जाएगा। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें आप सेट करके अपनी लाइफ को बैलेंस। ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्मार्ट गोल्स को सेट करें। उसके बाद स्मार्ट गोल्स सेट करने का फ़ायदा ये होता है कि वो आपको जल्दी से कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्मार्ट गोल्स को सेट करें। स्मार्ट गोल्स कौन से होने चाहिए। स्मार्ट गोल्स एक तो स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रेलिवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। उसके लिए आपने ये करना है कि स्पेसिफिक गोल आपने सेट करना है, ऐसा गोल जिसे आप इजीली
अचीव कर सकें, जिस तक आप इजीली पहुंच सकें, जो कि आपके रेलिवेंट हो, आपके नीड के अकॉर्डिंग हो, और आपने उसके लिए एक टाइम सेट करना है। जितना आपका छोटा गोल होगा उतना ही आप उसको अच्छे तरीके से अचीव कर सकें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।